सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए फ्रेंड्स, आपको कम से कम आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है फ्रेंड, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है गोली दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिज्या बराबर होता है 1/f, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा 1/f, तो क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है हजामत बनाने के लिए, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी चलाते समय जो पीछे लोग देखते हैं वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है फ्रेंड्स। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किससे मापा जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और फैदोमीटर से मापा जाता है फ्रेंड्स समुद्र की गहराई का मात्रक, और रेन गेज से मापी जाती है फ्रेंड्स वर्षा का मापक होता है, वर्षा का जो वहाँ से मापा जाता है रेन गेज से, और जो ओडोमीटर होता है फ्रेंड्स पहिए द्वारा तय की गई दूरी जो होती है ओडोमीटर से मापी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और फैदोमीटर देखिए फ्रेंड्स, यह समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। और हाइग्रोमीटर देखिए फ्रेंड्स, यह वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। और टोकोमीटर देखिए फ्रेंड्स, यह मोटर ऑटो की गति का मापन किया जाता है, तो सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो अच्छे से सबको समझ लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो उत्तल दर्पण लगा होता है, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है वह उत्तल दर्पण, और देखिए जो मोटर गाड़ी के हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, तो अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफिक कैमरे में अदृश्यक मतलब कौन सा लेंस होता है फोटोग्राफिक कैमरे में, तो देखिए फ्रेंड्स, फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, तो देखिए, पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस फ्रेंड्स, यहाँ पे लेंस हो जाएगा, तो देखिए अवतल लेंस के भांति कार्य करता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अवतल लेंस। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है
वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोमीटर जो होता है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व तो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। और देखिए जो बैरोमीटर होता है, वायुमंडल का दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। और देखिए जो अल्टीमीटर होता है, वो वायुयान की ऊंचाई का मापन किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सबको अच्छे से देख लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र है। तो देखिए, भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। और देखिए फ्रेंड्स, तो जो कार्डियोग्राफ होता है, वो हृदय की जांच की जाती है कार्डियोग्राफ से। और देखिए फ्रेंड्स, दो स्ट्रम्बोस्कोप जो होता है, आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापते हैं स्ट्रोम्बोस्कोप से। और जो डिक्टाफोन होता है फ्रेंड्स, जो डिक्टाफोन होता है, बातचीत रिकॉर्ड जो होती है उसको पुनः सुनते हैं, जो रिकॉर्ड होती है वह डिक्टाफोन का मापन किया जाता है फ्रेंड्स। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, डेसिबल। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है, जो गायरोस्कोप होता है, घूमती हुई वस्तु का गति मापते हैं गायरोस्कोप से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो अभी ऊपर बताए थे फ्रेंड्स, तो देखिए वायुमंडलीय दाब की जो माप की जाती है, बैरोमीटर से मापी जाती है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो हाइड्रोमीटर होता है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। और जो अल्टीमीटर होता है फ्रेंड्स, वह ऊंचाई का मापन किया जाता है अल्टीमीटर से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो निकिल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, निकिल। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अमोनिया गैस बनाने के लिए जो उसमें लौह चूड़ का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। इम्पॉर्टेंट है वह फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, रक्त का दाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापी जाती है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए जो पाइरोमीटर होता है, यह उच्च ताप का मापन किया जाता है पाइरोमीटर से।
और देखिए फ्रेंड्स, जो गैल्वेनोमीटर होता है, विद्युत धारा की प्रबलता का मापन किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। और देखिए फ्रेंड्स, जो एनीमोमीटर होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह हवा की गति का मापन किया जाता है। तो सबको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, नर्म लोहा। और देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज में अपचयन या उपचयन करने के लिए होता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है। तो प्रतिरोध, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, प्रतिरोध। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र होता है वो हाइड्रोफोन होता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, हाइड्रोफोन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो देखिए, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, वही बात है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनोमो करता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इम्पॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। जो डायनोमो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस यंत्र में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो अभी फ्रेंड्स बताए थे हम, तो देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा ज़रूर से। तो देखिए, रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है, रेक्टिफायर का प्रयोग, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। और देखिए, जो डीसी को एसी में बदलने का जो कार्य होता है वो इन्वर्टर होता है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी के लिए किया जाता है, अल्टरनेट करंट। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। देखिए, ये रेलवे का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए, टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो बैटरी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो डायनेमो होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जो ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, वो एसी को अपचयन या उपचयन का कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लकड़ी की वायु ज्ञात करने में सहायक होता है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जो लकड़ी की आयु ज्ञात, जो उसकी वर्ष ज्ञात की जाती है, वह कार्बन 14 से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।